गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम चल रहे हैं वर्कआउट के लिए। सुबह सुबह वर्कआउट कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। ये है मेरे ब्रूक्स बूस्ट 10, जो पहले मेरे रनिंग शूज होते थे, अब मैं इसे जिम के लिए यूज़ करती हूँ। तो आज का वर्कआउट ख़त्म हुआ, करीब एक घंटे की वर्कआउट चली। हम लोग आ गए हैं लोज, थोड़ा सा मास्क और सैनिटाइज़र खरीद लेते हैं। वी हैव सो मेनी सेक्शंस ओवर हियर, अभी हमें ढूंढना होगा कि कौन से सेक्शन में मिलेगा। तो चलते हैं धीरे धीरे, फाइनली हमें मिल गया यहाँ पे। तो ये सब है आज के इवेंट के लिए, जो कि शाम में होने वाला है, एक ओपन हाउस। तो उसके लिए हम लोग थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़े गेस्ट आने वाले हैं, इवेंट होने वाला है। तो बस हो गई है शॉपिंग, अब चलते हैं घर। फिर उसके बाद तैयार होके चलते हैं मंदिर, आज रक्षाबंधन है ना दोस्तों, आज रक्षाबंधन है ना, तो हमने सोचा मंदिर चलते हैं, थोड़ा दर्शन करके आते हैं। तो हम लोग सब रेडी होके पहुंच गए हैं मंदिर। तो हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर, तो हमने भगवान के दर्शन किए और पूजा आरती वगैरह चल रही थी जब तक हम लोग मंदिर में पहुंचे। ये साई बाबा मंदिर है यहाँ का। तो पूजा अर्चना सब चल रही है, तो हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा मंदिर आए। वी गॉट पिज्ज़ा, कोई डिवोटी पिज्ज़ा बांट रहे थे शायद एज प्रसाद, तो हमें प्रसाद मिला। तो प्रसाद में आज एप्पल एंड पिज्ज़ा दोनों मिले। तो दोस्तों आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये राखियां मेरे भाई की हैं, मैंने उसे बोला था अच्छी फ़ोटोज़ भेजना और पहन के भेजना, मगर उसने कुछ भेजी नहीं, तो जो है मैं वो लगा रही हूँ। तो इस तरह हम लोग रेडी होके गए थे मंदिर। आज बहुत ज़्यादा धूप है दोस्तों, क्या करें, बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, अभी जा रहे हैं वॉलमार्ट ऐसे कुछ छोटा मोटा सामान लेने, तो चलो आप लोग भी देखो हमारे साथ वॉलमार्ट। फ्रेंड्स आज बहुत गर्मी है बाहर, आज तो 87 डिग्री है, फिर भी कुछ ना कुछ काम होता है तो बाहर जाना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, आप लोग भी हमारे साथ वॉलमार्ट की सैर कर लेना, ठीक है। चलो ये देखो 87 डिग्री, ओ फ्रंट में नहीं चाहिए हमें, ये क्या हो गया। तो हाँ मैं बस ये दिखा रही हूँ 87 डिग्री टेम्परेचर। अ स्मॉल पिट स्टॉप, हम भरा रहे हैं गैस। यहाँ US में खुद ही गैस भरना पड़ता है, यहाँ पे कोई अटेंडेंट नहीं रहते हैं, तो गैस या डीजल जो भी है हमें अपने आप ही सिलेक्ट करके अपने आप ही फिल करना होता है। तो दोस्तों प्लान में थोड़ा चेंज, हम लोग वॉलमार्ट तो गए नहीं, पास में क्रोगर था तो क्रोगर ही आ गए। ये थोड़ा बहुत आज सामान
हमें चाहिए था आज के इवेंट के लिए, तो जो भी कस्टमर आने वाले थे उन लोगों के लिए थोड़ा सा यू नो चॉकलेट्स या सोडा या थोड़ा पानी, तो वो ले लिया है जल्दी। तो ये लेके अब चलते हैं सीधे घर, बज गए हैं 2:30 और आज थोड़ा दोपहर में लंच के बाद थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो अब हो गई है शाम के 5:30 और शाम की शुरुआत चाय के साथ। आज तो दोपहर में 1 घंटे की नींद भी हो गई, ये बस अभी उठी हूँ सो के। तो अब बन रही है चाय, थोड़ी सी इलायची भी डाल लें, और ये गई सारी इलायची नीचे, तो थोड़ी इलायची डालते हैं, अदरक और इलायची का स्वाद मस्त रहता है। ओके फ्रेंड्स, हम लोग आ रहे हैं, आज एक ओपन हाउस था तो थोड़ा उसमें हेल्प करके अभी पहुंचे हैं घर, और इसके बाद होगा डिनर का बंदोबस्त। तो आज का इवेंट ओपन हाउस अच्छा रहा, इस तरह ड्रेसअप होके गए थे, काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी आए, अच्छा रहा। आज बहुत गर्मी थी ना, 95 डिग्री तक चला गया था, तो पौधे वगैरह सब सूख गए हैं। थोड़ा पानी वानी लगा देते हैं, फिर उसके बाद ना क्विक इवनिंग वॉक पे चलते हैं। और डिनर का क्या सीन है, सोच रहे हैं कि आलू पराठा बनाते हैं, तो ज़रा पौधों में पानी लगा दिया जाए। हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, बताती हूँ रुको, पूरा पाइप तो ऐसे की तैसे हो चुकी है, अब जैसे तैसे इसको निकाल के पानी लगा दें। ओके, तो हमने अमरूद का पेड़ लगाया था जो कि कुछ दिन तक तो ठीक था, फिर उसके बाद मर गया पता नहीं क्यों, तो फिर भी होप कर रहे हैं कि अगले साल तक ये उग जाए या कुछ तो हो जाए। आज इतनी गर्मी थी ना, तो थोड़ा पानी तो लगा देते हैं बेचारे पौधे। या इतनी गर्मी में भी पता नहीं कैसे रह जाते हैं, बट हाँ इस गुआवा ट्री, इस अमरूद के पेड़ को कुछ तो करना पड़ेगा, पता नहीं ये कैसे ज़िंदा होगा, बट हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। अगर उग गया तो वाह बड़ा मज़ा आ जाएगा। पता नहीं ये यहाँ के सीज़न के लिए ये उग पाएगा भी या नहीं, मतलब यहाँ पे तो स्नोफॉल भी होती है तो, बट या क्योंकि यहाँ पे जब बेच रहे हैं ओहायो स्टेट में, इसका मतलब तो ये उगता भी होगा है ना, तो वही सोच के हमने ले लिया कि भाई जब से US में आए तो अमरूद खाने का मज़ा नहीं मिला है, इंडिया में रहते तो अमरूद मिलता है ना, तो हमने सोचा ट्राई करते हैं। तो ये रहा अमरूद का पेड़, आई थिंक इतना पानी काफ़ी होगा। इसके बाद हमने नींबू का भी पेड़ लगाया, पेड़ मतलब छोटा ही है अभी, कुछ 3-4 महीने पहले लगाया था। ओके, इसके लिए इतना पानी काफ़ी है, जल्दी जल्दी पानी लगा लेते हैं क्योंकि बहन वेट कर रही है, फिर वॉकिंग के लिए जाना है, वरना वो डांट लगाएगी अगर मैं लेट हुई। तो ये रहा लेमन का पेड़, ये तो ठीक ठाक है। ये तो अच्छा ज़मीन पकड़ गया है, तो ये आई थिंक स्टे कर जाएगा। अभी फॉल आई थिंक अगले महीने में शुरू हो जाएगा, सारे पत्ते वत्ते सब झड़ जाएंगे, बट अगले साल फिर ये ग्रो हो जाएगा। तो इस साल हम लोगों ने गार्डनिंग या प्लांटिंग में काफ़ी कुछ ट्राई किया है, देखते हैं कि फल निकलेगा या नहीं। 2 टाइप के फल हम लोगों के लिए, एक तो पेड़ ज़िंदा रह जाए, दूसरा कि उसके एक्चुअल फल आ जाए। ये गार्डनिंग पता नहीं हम लोग से तो बनता नहीं है, बट ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए, ये तो अच्छा है ना, या ये थोड़ा बड़ा भी हो गया, जब हमने लिया था ये करीब एक हाथ जितना बड़ा था, हाथ मतलब कितना बड़ा हाथ बताऊं, इसको कह सकते हैं 1/2 फुट
मे बी हाफ फुट जितना था, बट ये जो साइड की जो टहनियाँ आई हैं वो सब अभी अभी आई हैं, तो काफ़ी ग्रो कर गया। तो यहाँ के लिए इतना पानी काफ़ी है। अब आगे चल के थोड़े फूल के पौधों में पानी लगाते हैं। फूल के पौधे जो मैंने अपने आई थिंक सेकेंड व्लॉग में दो दिन पहले व्लॉग में मैंने ग्राफ्टिंग वाले दिखाए थे ना, वो हैं फूल के पौधे। उस पौधे से हमने ग्राफ्टिंग की थी। तो इसका एक्चुअल बड़ा पेड़ यहाँ पर है, अभी दिखाती हूँ। तो इतनी देर में बहन का फ़ोन आ गया कि कहाँ है, तो मैंने बोला भाई पानी लगा रहे हैं, दो पौधे और हैं। तो ये देखो, ये वाला है, ये वाला फ्लावर, ये तो अभी मुरझाने वाला है इसीलिए ग्रीनिश हो गया है, वरना ये यूजुअली वाइट कलर का होता है, बहुत अच्छा दिखता है। तो इस पेड़ की ग्राफ्टिंग की थी हमने। इसके जो बड़े टहनी होते हैं ना, इनमें से कोई एक बड़े टहनी लेके उनको रूट पाउडर में लगा के कोशिश किया है। तो आप लोगों ने जैसे देखा कि 50% उगने लगा था, तो उग गया, तो बहुत अच्छा लगेगा। ये सभी जगह लगा देंगे आगे और पीछे। तो या लेट्स सी, मैं जल्दी जल्दी पानी लगा दूँ बाकी में भी और फिर चलते हैं वॉकिंग। तो फिर अपना 1 माइल हो गया है और 1.5 माइल कुछ चलने वाले हैं। आज की टोटल वॉक है 2.23 माइल्स, बट ओवरऑल आज का दिन का देख के बताते हैं। आज का ओवरऑल हो गया 7.9 माइल्स सो फार, एंड 18K के ऊपर स्टेप्स हो गए हैं, विच इज़ गुड। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एक बार फिर से हैप्पी रक्षाबंधन सभी को, एंड मिलते हैं कल। बाय बाय।